subscribe to our channel clicking subscribe button and bell icon. दोस्तों इंटरनेट की इस जदीद दुनिया में हम सिर्फ कुछ क्लिक्स की मदद से जब चाहें किसी भी चीज के मुतालिक जान सकते हैं। आप सभी सोशल मीडिया पर नई नई वीडियोस देखते रहते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जिन चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली नजर में देख के ऐसा लगता है जैसे ये मेकअप पैलेट्स हों, लेकिन असल में ये पैलेट्स नहीं बल्कि एक रियल नेचुरल फिनोमेना है। इस जगह का नाम यूचेन लेक है और ये चाइना में मौजूद है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी साल्ट लेक है। असल में जब इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इस लेक का पानी कलरफुल हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे ये रंग बिरंगी पैलेट्स हों। इस पानी का ये कलर इसके नीचे मौजूद साल्ट की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। जहाँ पर सोडियम ज्यादा होता है वहाँ से पानी का रंग सुर्ख हो जाता है और इसके अलावा पिंक, ग्रीन और ब्लू शेड भी देता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों ये जो मछलियाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन फिश हो या फिर ये फिश ही फेक, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मछली बिल्कुल रियल है। ये एक एक्वेरियम फिश है। असल में ये मछली जेली फिश के डीएनए को क्रैब फिश में यूज करके हासिल की जाती है। इस प्रोसेस को जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहा जाता है। इसी वजह से ये मछली ग्लो भी करती है। ये ज्यादातर ताइवान में पाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये क्रैब पर किया गया सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जो इसकी स्टडी के दौरान किया गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स खुद भी नहीं जानते थे कि इसका रिजल्ट इतना अमेजिंग होगा और अब ये एक डेकोरेशन एनिमल बन चुका है। 200 क्रैब्स दुनिया के सबसे कॉमन सी एनिमल्स में से एक है और ये तकरीबन दुनिया की हर बीच पर ही नजर आते हैं और बहुत से लोग इन्हें शौक से खाते भी हैं। लेकिन इस जैसा वियर्ड क्रैब आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये क्रैब अंडे से बाहर निकल रहा हो, लेकिन सोचने की बात ये है कि न्यू बोर्न क्रैब का साइज इतना बड़ा नहीं होता। एक्चुअली ये जो एग आप देख रहे हैं ये क्रैब का नहीं है बल्कि एक स्नेल का एग है। ये केकड़ा इस एग के अंदर शिकार करने के लिए गया था, लेकिन ये अंदर ही स्टक हो गया। जब कैमरामैन ने इसे एग से बाहर निकाला तो ये वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। एनीवे जो भी हो, ये नजारा वाकई में बहुत अनयूजुअल था। दोस्तों ये जो अनयूजुअल थिंग आप देख रहे हैं, इसे फर्स्ट क्लास में देखकर समझ नहीं आती कि ये चीज आखिर है क्या। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा कोकोनट हो, लेकिन जब इसे काटा जाता है तो पता चलता है कि ये कोकोनट नहीं है। असल में ये जायंट हॉर्नेट का एक बहुत बड़ा हाइव है जो कि हनी बीज के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और हनी बीज एग्रीकल्चर में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। ये फसलों की पॉलिनेशन का काम करती है, लेकिन हॉर्नेट्स इनके लिए काफी खतरनाक होती है। अगर इन हाइव्स को खत्म कर दिया जाए तो सारी हॉर्नेट्स भाग जाएंगी और हनी बीज बच जाएंगी। इस तरीके से फसलों को खराब होने से बचाया जा सकता है। एनीवे जो भी हो, ये हाइव रियली बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों ये जो ओल्ड कार आप देख रहे हैं, देखने में तो ये एक मामूली सी गाड़ी लगती है जो कि काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसका कमाल देखकर आप सब शॉक हो जाएंगे। जब इस गाड़ी की लाइट्स को ऑन किया जाता है तो इसमें रोशनी की बजाय आग निकलना शुरू हो जाती है। ये गाड़ी रशिया में रहने वाले एक लड़के के फादर की है। इसने गाड़ी के अंदर ये फीचर किस तरह लगाया ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब इन लाइट से आग निकलती है तो बहुत ही वियर्ड लगती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही इसने गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन किया तो इनमें से आग निकलना शुरू हो गई। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों वैसे तो ट्रैफिक सिग्नल्स लोगों को एक्सीडेंट से बचाने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन ये जो सिग्नल्स आप देख रहे हैं इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें लोगों का एक्सीडेंट करवाने के लिए लगाया गया हो। इस तरह के आउट ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल से तो गाड़ी किसी भी तरफ मुड़ सकती है और एक्सीडेंट के चांसेस 100% हो जाते हैं, लेकिन असल में ये कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है बल्कि जस्ट एक स्कल्पचर है। इसे लंदन की एक बिजी रोड पर लगाया गया है। इसकी शक्ल एक दरख्त की तरह बनाई गई है जिसकी शाखों पर सिग्नल्स लगे हुए दिखाई देते हैं। एनीवे जो भी हो, ये नजारा वाकई में बहुत वियर्ड है। दोस्तों शायद आप में से कई लोगों ने पिराना फिश देखी होगी। ये समुद्र की सबसे यूनिक फिशेस में से एक मानी जाती है। मोस्टली लोग इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। इनके मुताबिक इसका टेस्ट आम मछलियों के मुकाबले में काफी डिलीशियस होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको पकड़ने का तरीका भी काफी डिफरेंट होता है। इस वीडियो में ये फिशरमैन पिराना फिश पकड़ रहे हैं। ये लोग इसे पकड़ने के लिए फिश रोड की बजाय मुख्तलिफ जानवरों का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही ये मछेरा पानी में गोश्त का टुकड़ा डालता है तो सारी पिरानास इसके साथ चिपक जाती है और वो इन्हें अपनी बोट में फेंक देता है। वेल, मछलियाँ पकड़ने का ये तरीका सच में बहुत वियर्ड है। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये शख्स अपने एक्वेरियम में मछलियों की खुराक डाल रहा हो। जैसे ही ये फिश फूड पानी में डालता है ये सारे पानी में फैल जाता है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये फिश फूड नहीं बल्कि रियल फिश है। ये शख्स अपने घर के एक्वेरियम में डालने के लिए बहुत सी छोटी छोटी मछलियाँ लेकर आया था और इसने वो सारी मछलियाँ एक साथ एक्वेरियम में डाल दी थी, जिससे ऐसा लगता था जैसे ये मछलियाँ नहीं बल्कि कोई और ही चीज हो। बहरहाल जो भी हो, ये नजारा वाकई में देखने लगा।
लाइक था। दोस्तों फिशिंग करना बहुत से लोगों की हॉबी होती है। ज्यादातर लोग फिशिंग रॉड की मदद से मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं, लेकिन इस शख्स ने फिशिंग स्टाइल को एक अलग ही लेवल पर पहुँचा दिया है। इसने एक वाटरमेलन के अंदर होल्स करके इन होल्स में बहुत सी शार्प स्टिक्स लगा दी। फिर इसने अंदर मछलियों का चारा डाल दिया और इसके बाद इसने एक रस्सी के जरिए तरबूज को पानी में डाल दिया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब ये तरबूज को पानी से बाहर लाया तो इसमें ना सिर्फ मछलियाँ बल्कि टर्टल और क्रैब्स भी मौजूद थे। ये सब बेचारे खाना खाने के लिए अंदर तो आ गए थे, लेकिन नोकीली स्टिक्स की वजह से इसके अंदर ही फंस गए थे और इसने इनका शिकार कर लिया। वेल, मछलियाँ पकड़ने का इससे आसान तरीका शायद दुनिया में कोई और होगा। दोस्तों शायद आप में से कई लोगों ने प्रेइंग मेंटिस का नाम सुना होगा। ये एक इंसेक्ट होती है और इसकी बॉडी शेप बहुत ही यूनिक होती है। इसकी सामने वाली टांगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये प्रेइंग पोस्चर में मौजूद हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें टांगों के अलावा और भी बहुत कुछ यूनिक पाया जाता है। मिसाल के तौर पर इसका अपने प्रेडेटर्स करने का शिकार बहुत ही अनयूजुअल होता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक प्रेइंग मेंटिस अपने दुश्मन से लड़ते हुए दिखाई जा रही है। ये उसे बार बार अपनी टांगे आगे करके डराने की कोशिश करती है, जिससे छोटे मोटे प्रेडेटर्स वहाँ से भाग जाते हैं। वेल, इसका ये लड़ाई वाला अंदाज सच में बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल रोबोट बहुत ही आम हो चुके हैं। ये बिल्कुल इंसानों की तरह चलते फिरते हैं और सारे काम भी कर सकते हैं। वैसे आप सबने बहुत से रोबोट्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी हाफ बॉडी वाला रोबोट देखा है? ये जो रोबोट आप देख रहे हैं इसका नाम कैसी है? इसकी शेप बहुत ही वियर्ड है और ऐसा लगता है जैसे साइंटिस्ट इसकी आधी बॉडी बनाना भूल गए हो। ये दुनिया का सबसे पहला बीपेडल रोबोट है जो रनिंग भी कर सकता है। इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटरीज भी लगाई गई है, जिनकी मदद से एक दफा चार्ज होने के बाद ये तकरीबन 9 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। लेकिन इसकी बॉडी किसी बगैर सर और धड़ वाले मॉन्स्टर से कम नहीं है। दोस्तों ये जो अजीबोगरीब चीज आप देख रहे हैं, पहले तो इसे देखकर समझ नहीं आती कि ये चीज आखिर है क्या। ऐसा लगता है जैसे कोई सी मॉन्स्टर हो या फिर कोई अंडर वाटर लिजर्ड हो। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये एक फिश है। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, क्योंकि कोई भी फिश क्रॉल नहीं करती बल्कि सिर्फ स्विम ही करती है। इसलिए इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये मछली हो सकती है, लेकिन ये एक ऑर्डिनरी फिश है। इसका नाम स्कॉर्पियन फिश है और असल में ये फिश स्विम करना पसंद नहीं करती, इसीलिए ये अपने पावर फिन्स की मदद से समुद्र की तह के साथ लगकर क्रॉलिंग करती रहती है। इस मछली की ये अनयूजुअल अपीयरेंस इसे प्रेडेटर्स का शिकार बनने से बचाती है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों केकड़ा एक ऐसा सी एनिमल है जो ज्यादातर समुद्र के किनारे पर ही देखने को मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी रेत की तह में से क्रैब निकलते हुए देखा है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ये शख्स रेत की तह में से केकड़ा निकाल रहा है। असल में ये एक बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है। जब किसी जगह पर सैलाब वगैरह आता है या फिर समुद्र चढ़ जाता है तो समुद्र की रेत इन छोटे छोटे केकड़ों को अपनी तह में दबा लेती है, और जब सैलाब खत्म हो जाता है तो वहाँ के रहने वाले लोग इस तरह रेत की खुदाई करके अंदर से केकड़े